आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि रेफेनोब्रासिका में हमें इनमें से कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो रेफेनोब्रासिका है क्या, ये हम देख लेते हैं। ये असल में हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग में इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। ये तो हम जानते हैं कि इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज प्रोड्यूस करने के लिए या डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ताकि हमारे क्रॉप्स में आए, इसके लिए हम लगातार अलग अलग तरह के प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स यूज़ करते रहते हैं। और कई बार ऐसी कोशिश भी की गई है कि दो अलग अलग स्पीशीज़ को भी आपस में हाइब्रिडाइज किया जा सके, जैसा कि एक्चुअली नेचर में नहीं होता। हम जानते हैं नेचर में तो स्पीशीज़ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन शो करती है, लेकिन इस तरह के प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में हमने क्या किया है, रेफेनोब्रासिका भी इसी का ही रिजल्ट है। एक तो हमारा रेफेनस यानी रेडिश का प्लांट, और दूसरा हमने ले लिया हमारा ब्रासिका, ब्रासिका जीनस में कैबेज का प्लांट, और इन दोनों को आपस में क्रॉस कर दिया। अब ये इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल क्यों हुई, क्योंकि इनका जो क्रोमोसोम नंबर है दोनों का ही डिप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम्स का 18 आता है। तो इनको आपस में जब क्रॉस किया गया, यहाँ पर हम देखें ये हमारा रेफेनस का प्लांट हो गया, ये हमारा ब्रासिका का, और इनका आपस में क्रॉस कराने से जो हाइब्रिड प्रोड्यूस हुआ उसमें हमने कंडीशन देखी, क्योंकि दोनों के ही डिप्लॉयड सेल के फ्यूजन से ये बना हुआ था। यहाँ से भी 2n बराबर 18 का सेल आया, दूसरे पेरेंट से भी 2n बराबर 18 का सेल आया, तो ये यहाँ पर हमारा जो ऑफस्प्रिंग बना इसमें दोनों ही पेरेंट्स के डीएनए के डिप्लॉयड कंटेंट का एक एक सेट आ गया, और इसी को रेफेनोब्रासिका का हमने नाम दिया। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एलो पॉलीप्लॉयड हम पर्टिकुलरली ऐसे ही प्लांट्स को नाम देते हैं जो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में बनते हैं, और उनमें दो अलग अलग स्पीशीज के क्रोमोसोम्स का सेट इकट्ठे एक ही साथ में मौजूद होता है। तो यहाँ पे दो अलग स्पीशीज के इसके पेरेंट्स थे जिनको क्रॉस करके जब ये रेफेनोब्रासिका नाम का नया प्लांट बनाया गया। तो पहले तो पहली जनरेशन में ये एक स्टेराइल टाइप के ऑफस्प्रिंग बने थे, इससे एलो पॉलीप्लॉइड कंडीशन थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे फर्दर इस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया गया तो इन प्रोजेनी में टेट्राप्लॉइडी क्रिएट हो गए और ये हमारे फर्टाइल हो गए। लेकिन देखा यह गया कि एक्चुअली कमर्शियल लेवल पे इसके प्रोडक्शन की कोई ज़रूरत हमको पड़ी नहीं, क्योंकि हमने रेडिश और कैबेज को क्या सोच के कम्बाइन किया था कि हमें कोई इम्प्रूव वेराइटी मिलेगी, लेकिन इसमें उल्टा ही हो गया। यहाँ पर कैबेज की तो इसने रूट ले ली जो कि हमारे किसी काम की नहीं थी, और रेडिश का इसने फ्लावर और हेड ले लिया। तो इसके उल्टी अगर कंडीशन बनती, अगर रूट रेडिश की ले लेता जो कि हमारे लिए एडिबल होती है, वेजिटेबल की तरह यूज होती है, और फ्लावर कैबेज का ले लेता, तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद एक्सपेरिमेंट हो सकता था। लेकिन अब रेफेनोब्रासिका जो पहली जनरेशन में हमको क्रॉस करके मिला, ये खाली एक एलो पॉलीप्लॉयड यानी दोनों स्पीशीज के क्रोमोसोम्स बेयर करने वाला हाइब्रिड प्लांट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।